नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या आपने इस वर्ष 12th कंप्लीट कर लिया है, या आपके आसपास किसी ऐसे बच्चे ने 12th कंप्लीट किया है जिसे अभी भी ये नहीं पता कि अब वो क्या करे, या आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे जिन्होंने इस वर्ष 12th किया होगा और वो आपसे सजेशन लेने आते हैं कि भैया अब 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना है। कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सों में से किस कोर्स में सबसे ज्यादा स्कोप है जॉब के लिए। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें, या यदि आप तो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कौन सी जॉब, कौन से आप फॉर्म के लिए, कौन से कॉलेज के लिए, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक कोर्स से। जैसे कि आप जानते हैं आफ्टर 12th बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो नॉर्मली आपने सुने होंगे, जैसे BSc होता है, BCA होता है। इसके अलावा और कौन से कोर्स हैं, ये 3 साल वाले कोर्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज प्रदान करते हैं। जैसे कि एक कोर्स के बारे में आपने सुना होगा जो कि है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। यदि आपको अब तक कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप इन बेसिक कोर्सेज के माध्यम से कंप्यूटर के नॉलेज को आसानी से ले सकते हैं, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी एडवांस कोर्स को आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज, यदि आपने अब तक कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है या आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको कंप्यूटर का नॉलेज प्रदान करेंगे, जो आपको बेसिक नॉलेज प्रदान करेंगे। इसके बाद आप आसानी से किसी बड़े कोर्स को, किसी ऐसे कोर्स को आसानी से कर सकेंगे जो आपके लिए कैरियर को बना के देगा। अच्छा, इसके अलावा DCA जो हमने बताया आपको, DCA बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि MP में है। MP में भोपाल के अंदर आपको ISEC यूनिवर्सिटी होती है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से आप ये DCA कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा BSc एक ऑप्शन है, BSc जो कि कंप्यूटर साइंस से होता है। तो BSc के अंतर्गत जो बैचलर ऑफ साइंस है उसमें बहुत अलग अलग स्ट्रीम होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे आपने CS के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम होती है। CA के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक स्ट्रीम होती है। तो इसके माध्यम से भी आप BSc के माध्यम से आप 3 साल का जो कोर्स है, ये डिग्री कोर्स कहलाता है, 12th के बाद आप वो भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास BCA का भी होता है, यदि आप पूरी तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे कि BSc यदि हम करते हैं तो BSc में हमको कंप्यूटर के साथ साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि फिजिक्स या जियोलॉजी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट के साथ एडिशनली करने होते हैं। लेकिन यदि आप टोटली कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप BCA भी कर सकते हैं, जो कि है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आपको सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगला जो कोर्स हम बताने वाले हैं वो है BE। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत दो जो मुख्य ब्रांचेस होती है जो कि CS और IT, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर नॉलेज को आसानी से ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात की कुछ ऐसे कोर्सेज की जो आफ्टर 12th आप जनरली लोग करते हैं, लोगों ने सुना है इसके बारे में, आप भी इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि DCA हमने बताया, BSc हमने बताया, BCA हमने बताया और BE हमने बताया। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आप जनरली कर सकते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जी हाँ मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट में काम कर सकते हैं, या इसके अलावा आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी IT फील्ड में बहुत अच्छी पोस्ट में काम कर सकते हैं, या अगर आप इन सबके अलावा कोई अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कोर्सेज आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो इन कोर्सेज के बारे में आज हम शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो कोर्स है वो है एनिमेशन और VFX का। जी हाँ, एनिमेशन। आज के समय में आपने खुद देखा है कि बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा कार्टून देखते हैं, कार्टून चैनल बहुत ही ज्यादा हिट होते हैं, पॉपुलर होते हैं। क्यों होते हैं?
क्योंकि वो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो उनमें जो एनिमेशन किया जाता है वो एनिमेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको एनिमेशन कोर्स करना होगा। इसके अलावा जो हमने इसमें बोला कि VFX, आपने बाहुबली तो जरूर देखी होगी, बाहुबली मूवी में जो भी इफेक्ट डाले गए हैं वो सारे के सारे इफेक्ट जो है VFX के माध्यम से होते हैं। आपने बाहुबली के अलावा यदि आप हॉलीवुड मूवी को पसंद करते हैं तो आपने आयरन मैन या एवेंजर तो जरूर देखी होगी, उसमें भी आपने VFX का बहुत ही बढ़िया उपयोग देखा हुआ है। तो एनिमेशन और VFX ऐसे कोर्सेस हैं जिनके माध्यम से आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छी पोस्ट या बहुत अच्छे एक मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर आप एनिमेशन का काम कर सकते हैं, किसी टेलीविजन किसी मूवी में जाकर आप VFX का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए होगा। इसके अलावा जो अगला हमारा कोर्स है वो है वेब डिजाइनिंग का कोर्स। वेब डिजाइनिंग भी आज के समय में बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि हर बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर हो, हर कोई अपनी वेबसाइट जरूर बनवाना। वेबसाइट इसलिए ताकि वो अपने बिजनेस को अपने व्यापार को या अपने जिस भी विभाग में वो उसके बारे में जानकारी जो है वो इंटरनेशनली सारे लोगों को पता हो उसके बारे में। तो वेबसाइट बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको कोर्स करना होगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि आप इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है उसको किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो कोर्स है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मली यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हुए हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, नोटपैड जनरली यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम, जैसे आप मोबाइल में एप्लीकेशन की बात करते हैं कि मोबाइल में विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन होती हैं और हर रोज नई नई एप्लीकेशन जो है मार्केट में आ रही है, इसी प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं हम सॉफ्टवेयर के रूप में अपने विंडोज में यानी कि अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक बहुत ही अच्छा चॉइस है आपके लिए आफ्टर 12th। यदि आप कंप्यूटर के लिए इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकते हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप कंप्यूटर में ऑफलाइन चला सकते हैं। एक दूसरा होता है जो कि है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसको हम इंटरनेट पे या ऑनलाइन चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आज के समय में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो कि अपना जो सर्वे कराती है सर्वे ऑनलाइन इनपुट करवाती है। जो भी व्यक्ति आते हैं वो आप जो भी व्यक्ति सर्वे के माध्यम से लोगों के घर जाते हैं, जानकारी लेके आते हैं, उसके बाद वो जानकारी को वो इनपुट कहाँ करेंगे, इनपुट वो ऑनलाइन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस कंपनी के लिए जिसमें वो सारी जानकारी भरते हैं और वो जानकारी डायरेक्ट उनके जो हेड ऑफिस है वहां पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के माध्यम से चल रही है वो क्या है, वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत ही अच्छे कुछ कोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अगला कोर्स है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का। आप सभी ने फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ के बारे में सुना ही होगा। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी प्रकार की फोटो मिक्सिंग कर सकते हैं। अभी हमने फोटोशॉप के बहुत सारे वीडियो जो हैं अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, उसको देखकर आप फोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं फोटोशॉप, पेज मेकर या ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये कोर्स है डिप्लोमा इन ग्राफिक्स डिजाइनिंग के, इसे आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए। ये एक आप किसी भी सेक्टर में जाकर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो डिजाइनिंग से संबंधित काम करते हैं वहां पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली कोर्स की बात करते हैं जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ही आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला जो कोर्स है ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि हर कोई जो है प्रचार करना चाहता है। किस प्रकार से, आप किसी नेता की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें, या आप किसी भी प्रकार की प्रचार की बात करते हैं, विज्ञापन आप रोज देखते हैं, टेलीविजन पे विज्ञापन आते हैं, तो ये जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग यानी कि आप बात कर सकते हैं कि प्रचार के बारे में, तो लोग प्रचार करने के लिए कितने माध्यम अपनाते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं। पंपलेट्स के माध्यम से प्रचार किया जाता है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, इसी प्रकार से एक मार्केटिंग होती है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। आज का टाइम जो है डिजिटल है, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से
ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इन सभी के माध्यम से लोग एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्यों ना इन सभी माध्यमों को हम मार्केटिंग के लिए उपयोग किया जाए। तो ये जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसका एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आपने गेम तो जरूर ही खेला होगा, जब आप छोटे थे तो आप वीडियो गेम्स खेला करते थे, आज भी आप कंप्यूटर में PS2 में अपने गेम खेला करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गेम डिजाइनिंग कोर्स की, या डिप्लोमा इन गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप किसी गेम को डिजाइन करना, जैसे कि आपने कंपनी के नाम सुना होगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी, सेगा आपने सुना है, सेगा एक ऐसी कंपनी है जो कि वीडियो गेम्स डिजाइन करती है, या फिर आप ईए स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ईए स्पोर्ट्स जिसने क्रिकेट बनाया है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारे गेम डिजाइन करती है। 3D गेम्स को डिजाइन करना, 2D गेम्स को डिजाइन करना, ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स होता है जिसके माध्यम से आप गेम डिजाइनिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से जिसको जानते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है एंड्रॉइड है, या एंड्रॉइड है या फिर आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसके माध्यम से हम मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। जैसे कि फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, ये भी एक प्रकार के एप्लीकेशन ही है जिसको बनाया गया है। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत भी बहुत अच्छा जो है कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि है ऑटो कैड का कोर्स। ऑटो कैड जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आप करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो साथ में अगर आपने ऑटो कैड किया हुआ है तो आप जो घर के नक्शे बनाए जाते हैं, आज के समय में आप देखते हैं जो घर के नक्शे बनाए जाते हैं वो कंप्यूटरीकृत होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो ऑटो कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप नक्शा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए उसे आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए एक कोर्स होता है जो कि है ऑटो कैड का कोर्स, जिसके बारे में आप 12th के बाद आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हमने कुछ कोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है जो कि आफ्टर 12th आप आसानी से कर सकते हैं, और ये आपके लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है। तो आपकी समस्या जो कि 12th के बाद क्या करें, इसका समाधान हमने आपको देने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये समाधान, ये कोर्स अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे हैं तो हमें जरूर बताइएगा, और इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपनी जानकारी, जो भी आप और जानकारी हमसे चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।